नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला सिर्फ एक राज्य में हुआ ऐसा नहीं है। अब ये जांच में पता चला है कि दिल्ली में भी जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें भी भारी घोटाला हुआ था। पहले ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आवाज उठती रही है और इसी बीच में कई लोगों ने कमेंट भी कर रखा था कि 2016 वाले का क्या होगा, तो अभी तक उसकी कोई भी डिटेल जानकारी झारखंड सरकार ने प्रकाशित नहीं किया है। और नया टेट जो होगा उसके लिए तो बोल ही दिया है कि मार्च अप्रैल 2020 में ये एग्जाम ली जाएगी, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए झारखंड में। इसी बीच में खबर ये है कि दिल्ली में शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें भारी घोटाला के संकेत मिल रहे। अब जांच में ये चीजें सामने आने के बाद 15 से अधिक अभ्यर्थियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निकाला गया है और बाकी लोगों को भी निकाले जाने की संभावना दिख रही है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो सहायक शिक्षक प्राइमरी लेवल पर जो परीक्षा हुई थी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसने परीक्षा लिया था नवम्बर 2018 में और जून में नियुक्ति देने के साथ साथ अक्टूबर से ही आवंटित कर दिया गया था सभी लोगों को स्कूल। DSSSB ने नियुक्ति के बाद जांच किया और बायोमेट्रिक डेटा से मिलान किया तो पता चला कि फिलहाल 15 ऐसे टीचर हैं जिनके जगह पर बायोमेट्रिक नहीं मिल रही है और उनके जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा लिखा था। ऐसे लोग 2 महीने से नौकरी कर रहे थे। शिक्षा निदेशालय ने इस वर्ष 7,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की है, इनमें बाहर किए गए अभ्यर्थी भी शामिल है। अब आपको हम ये बता दें कि कई शिक्षक तो सेवा कई महीने से दे रहे थे और कुछ कुछ लोगों की इसमें बदली भी हुई, यानी कि उनका ट्रांसफर भी हो चुका था। परीक्षा अलग अलग चरणों में हुई थी। परीक्षा 2 बार रिटेन हुआ था जिसमें पता चला कि जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके बदले में दूसरे लोगों ने परीक्षा लिख दी थी और परीक्षा की कॉपी तो जांच हो गई, पास भी कर गए, लेकिन जब बायोमेट्रिक मिलान किया जा रहा है तब पता चल रहा है कि जिस कैंडिडेट को सैलरी मिल रही है वो तो परीक्षा में बैठा नहीं था। जांच हुआ तो पता चला कि उसमें सेटिंग हो गई थी। अब बताइए कि दिल्ली जहां पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के तमाम मंत्री हैं, साथ ही साथ सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और सचिवालय हैं, वहां नाक के नीचे इस प्रकार से धांधली हो जाती है जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनता है, सिलेक्शन किसी और का हो जाता है, तो बाकी राज्यों में ये स्थिति क्या होगी और इसकी जांच की रिपोर्ट से कोई चीज आपसे छुपा हुआ नहीं है कि जांच होती है और चीजें कब आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको vinayjiasacademy.com पर लाइव क्लासेस कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें लगातार JPSC, JSSC और बाकी एग्जाम के लिए सटीक क्लासेज मिल रहा है। और जो लोग सिर्फ न्यूज देखना चाहते हैं वो अब तक न्यूज को सब्सक्राइब करके, अब तक न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करके भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद।